Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. Student, today we are going to teach dividing two digit number by two digit number. ठीक है, वो वाला पैटर्न है, डिवाइड बाई टू डिजिट नंबर. यहाँ पे सिर्फ इतने लिखा, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, डिवाइडिंग टू डिजिट नंबर ही होगा बाई टू डिजिट नंबर. मतलब दो डिजिट वाला कोई नंबर होगा, उसको दो डिजिट वाले नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे. ठीक, आसान सी बात है. तो दिस टाइप इज सेम एज डिवाइडेड बाई वन डिजिट नंबर. जैसे हम वन डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करते थे, वैसे ही टू डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना है. पहले हम वन डिजिट वाले नंबर का टेबल बोलते थे अपने दिमाग में, अब क्या करेंगे, टू डिजिट वाले नंबर के टेबल हम अपने दिमाग में बोलेंगे और सेम प्रोसेस डिवीजन की करेंगे. ठीक है बात. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 58 डिवाइड बाय 11. बेटा ध्यान से देखना, राइट द डिविडेंड इनसाइड ऑफ द टेंट. 58 को कहाँ पे लिखेंगे, इनसाइड, अंदर लिखेंगे ना, टेंट के अंदर लिखेंगे. एंड राइट 11 आउटसाइड ऑफ द टेंट. देखो यहाँ पे कुछ नहीं देखना, डिवीजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो बेटा लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है फर्स्ट, 5 है, तो 5 है वो तो 11 से छोटा है ना, 11 से छोटा है 5. तो वी हैव टू टेक बोथ द नंबर टुगेदर. तो हम ये दोनों नंबर को साथ में लेना पड़ेगा ना. तो 11 का टेबल अपने दिमाग में बोलो, जब तक कि प्रोडक्ट है वो 58 के नज़दीक नहीं आ जाता. जैसे कि 58, 11 का टेबल आपको आता होगा, 11 सबसे आसान होता है. 11 वन सा 11, 11 टू सा 22, 11 थ्री सा 33, 11 फोर सा 44, 11 फाइव सा 55, 11 सिक्स सा 66. देखो 11 सिक्स सा 66 हो गया, और 66 इज ग्रेटर देन 58. 58 से बड़ा है तो नहीं चलेगा. देन वी हैव टू डिवाइड 11 फाइव सा 55. 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 फाइव आर 55. राइट दिस 5 इन आवर क्वोशेंट एंड राइट दिस 55 बिलो द आवर डिविडेंड. 58 में से 55 आप सब्ट्रैक्ट कर दो. 8 माइनस 5, सब्ट्रैक्शन तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है ना. 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देन आवर क्वोशेंट is equal to 5, our remainder is equal to 3, and our divisor is equal to 11. Now verify the answer. Now we will verify the answer. Verify कैसे करते हैं, divisor और quotient का multiplication करते हैं. मतलब divisor यहाँ पे 11, quotient यहाँ पे 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और जो आंसर निकल के आता है उसमें रिमाइंडर ऐड करो. तो बेटा देखो 11 इंटू 5, तो 11 फाइव जो 55, उसमें रिमाइंडर ऐड करो, 55 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 58 होता है. सही, तो 58 है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है. और वो क्यों करते हैं वेरीफाई, वही चेक करने के लिए वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोसेस करने के बाद, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें रिमाइंडर ऐड करते, वो सब करने के बाद क्या हमें हमारा डिविडेंड ही मिलता है ना. जो मिलता है डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब हमारा डिवीजन है वो सही है, वरना डिवीजन क्या होगा, गलत होगा. ओके, इसीलिए तो वेरीफाई करते उसको. आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे करना है. ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 42 डिवाइड बाय, वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप. 42 डिवाइड बाय 12. राइट 42 इनसाइड ऑफ द टेंट एंड राइट 12 आउटसाइड ऑफ द टेंट. 12 है उसका टेबल, आप बोलो अपने दिमाग में. नहीं आता तो यहाँ पे एक दो बार मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 12 वंस आर 12, 12 टू जार 24, 12 थ्री जार 36, 12 फोर जार 48. 48 इज ग्रेटर देन 42. देन वी कांट डिवाइड फ्रॉम द 4.
फोर में से हम डिवाइड नहीं कर सकते, देन वी डिवाइड बाई थ्री. फोर थ्री जा 36. 42 माइनस 36 करो सब्ट्रैक्शन, करो सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा ना. 6 माइनस 2, सॉरी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दी 2, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दी 2. 2 में से 6 कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 42. देन वी हैव टू टेक द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस एंड दिस 4 विल बिकम 3 एंड दिस 2 विल बिकम 12. यहाँ पे 10 ऐड करते हैं, आपको मालूम है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये हमारा है आंसर. यह क्या है हमारा आंसर? अब कोई नंबर यहाँ पे है नहीं, वरना उसको भी नीचे लेते फिर से डिवाइड करते, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो वेरीफाई करो. वेरीफाई कैसे करते? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों मतलब ये कौन है दोनों, डिवाइजर और कोशंट है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. वो जो आंसर आता है उसमें 6 ऐड करो, देन वी विल गेट 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 मतलब 37, 38, 39, 40, 41 एंड 6 है मतलब 42. 5 किया तो 41 आया और फिर 1 मतलब 42 इज इक्वल टू अवर डिविडेंड ही तो है, हमारा डिविडेंड ही तो है बेटा. 42 हमारा डिविडेंड है, मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है. बेटा ऐसे होता है डिवाइडिंग टू डिजिट नंबर बाय टू डिजिट नंबर. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए. इसको निकाल देता हूँ, नेक्स्ट वाला करते. तो बेटा टेबल्स नहीं आते तो कुछ काम करेंगे, टेबल्स तो करने पड़ेगा आपको प्रिपेयर. ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 का टेबल बोलो अपने दिमाग में. 15 वन जै 15, 50 टू जै 30, वैसे करते करते 15 वन जै 15, 15 टू जै 30, 15 थ्री जै 45. देखो इसमें 15 15 ऐड करो तो हो जाएगा. ठीक है, 15 15 ऐड करते जाओ, 15 फोर जै 45 में 15 ऐड करो तो क्या आएगा, 60. 15 फाइव जै वापस से 40, 15 ऐड करो तो 75. 15 सिक्स जा 90, 90 इज ग्रेटर देन 80. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, 50 राइट दिस 5 इन आवर कोशंट, राइट दिस 75 बिलो दी आवर डिविडेंड. 15 फाइव जा 75, 80 माइनस 75 इज इक्वल टू 5. कर लेना सब्ट्रैक्शन आप खुद से. ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म. अब कोई भी नंबर है नहीं आगे, वरना तो उसको भी हम क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन थी नंबर करते हैं, लेकिन अब वो है नहीं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, डिवीजन हो गया हमारा ख़त्म. तो इसको वेरीफाई कर लो आप, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 फाइव जा 15 फाइव जा यहाँ पे लिखा 75, डायरेक्ट लिख दो 75. और जो 75 निकल गया उसमें रिमाइंडर आप ऐड करो, 75 प्लस रिमाइंडर क्या है 5, तो 75 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 80. तो 80 तो हमारा क्या है, 80 तो हमारा डिविडेंड है. मतलब कि हमने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आया, 80 ही तो आया. ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है. ठीक है, तो देख लो आप ठीक से. तो बेटा अच्छे से आप समझ रहे होगे. तो जैसे हम वन डिजिट वाले नंबर से डिवीजन करते थे, वैसे ही टू डिजिट वाले नंबर से डिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. चेंज है तो सिर्फ टेबल का. अगर टू डिजिट वाले नंबर के आपको टेबल नहीं आते तो बेटा नहीं चलेगा, वो सीखने पड़ेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे. ठीक है, 98 डिवाइडेड बाई 16. तो बेटा टेबल में वो तो आपको मालूम ही होगा, तीन टर्म्स तो याद होगी टेबल में, 16 वन्स आर 16, 16 फाइव्स आर 18 और 16 टेन्स आर 160. वो तो मालूम होगा, ये तीन बातें तो याद होगी. अब मुझे टेबल बोलना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, 80 से ही तो स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसके बाद ही होगा ना, 98 है तो 80 के बाद ही होगा. तो 16 सिक्स आर 96,
112 ही होता है ना भाई, वही होता होगा, वही वही है 112 इज ग्रेटर देन 98, देन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, सॉरी वी डिवाइड फ्रॉम द हियर 16 6 होता है 96, 16 6 आर 96, 16 6 आर 96, सब्ट्रैक्ट 96 फ्रॉम द 98, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं आगे, तो ये हमारा डिवीजन हो गया ख़त्म, सबसे छोटा वाला डिवीजन होता है, ठीक है। तो बेटा वेरीफाई करो इसको, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 तो क्या होता है 96, 16 6 से डायरेक्ट ही करो भाई, टेबल तो आता ही है, 16 6 से 96, 96 प्लस 2 तो क्या 98 आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, मतलब कि वेरीफाई हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा 98 आएगा। तो ये है हमारा वेरीफिकेशन, ठीक है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इतनी सी बात है बेटा, सभी को आता है, आप सभी बच्चे को आता है मुझे मालूम है, मैंने देखा है गूगल मीट में आप बहुत स्पीड से आंसर करते हो। तो बेटा कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, उसको आप सोल्व करो और लास्ट में उसको वेरीफाई भी करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन सोल्व करवाई, वैसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इंस्ट्रक्शन, डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर, डिवाइड भी करो और आंसर को वेरीफाई भी करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है आपके लिए मैंने रखे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो वीडियो पॉज करके, या तो नोट कर लो, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।